Good morning everyone. I hope you all are doing well and have completed the examples till exercise 9.3. Today we will move forward with questions from exercise 9.3. We are doing chapter comparing quantities. Fine. इसमें क्या क्या आता है? प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेजेस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 9.3. क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन सेज फाइंड 25% ऑफ 320. 25% ऑफ 320 मतलब 320 का आपको 25% फाइंड आउट करना है. जैसे 100 का 25 कितना परसेंट कितना होता है? 25. 200 का 25% होता है 50. वैसे ही आपको क्या करना है? 20 आई हैव टू फाइंड आउट 25% ऑफ 320. सो वी हैव डन दिस इन एग्जांपल्स आल्सो. हाउ विल यू प्रोसीड इज यू विल डू 25 अपॉन 100 इनटू 320. जीरो से जीरो कैंसिल आउट. 5 टू से 10. 5 फाइव से 25. 2 वन से 2. 2 16 से 32. 5 इंटू 16 इज 80. सो 80 इज 25% ऑफ 320. नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका. 20% ऑफ 155. सो दिस इज 20% ऑफ 155. जीरो से जीरो कैंसिल आउट. 2 वन से 2. 2 फाइव से 10. 5 वन से 5. 5 टू से 15. 5 वन से 5. योर आंसर इज 31. नेक्स्ट 65% ऑफ 120. सो दिस इज 65% ऑफ 120. जीरो से जीरो कैंसिल आउट. 5 टू से 10. 5 वन से 5. 5 थ्री से 15. 3 वन 2 वन से 2. 2 सिक्स से 12. सो 13 इंटू 6. आंसर इज 78. फाइन. नेक्स्ट पार्ट सेज 8.5% ऑफ 1600. सो 8.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1600. दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया. हमें क्या करना है? 8.5 को 16 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर राइट हैंड साइड पे. 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 16. 6 फाइव 30. 8 सिक्स 48. 49 50 51. 5 वन 5. 8 वन 8. तो आंसर आया 06 एंड 8 प्लस 3. 8 प्लस 5 13. सो आंसर आया 136.0 विच इज इक्वल टू 136. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद ई पार्ट. 0.125% ऑफ 160. सो देखो ये तो 1% का आधा 0.5%, 0.5% का आधा 0.25% और 0.25% का भी आधा 0.125% है. तो ये किस कैसी वैल्यू है? बहुत ही छोटी वैल्यू है. सो यू हैव टू फाइंड आउट 0.125% ऑफ 160. अगेन यू विल कैंसिल आउट 0 विद 0. 2 फाइव जा 10. 2 एट जा 16. 5 इज अ 5. अब देखो 0.1 से तो जाएगा कि 5 टू 0. 5 टू जा 10 एंड 5 5 जा 25. सो दिस इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 8. दिस विल गिव यू 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 25 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 200. पर यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट रखें. Now we also know that the value of zero after the decimal is no, nothing. So we will write it as 0.2. अगर हमने आंसर 0.200 लिखा या फिर हमने आंसर 0.2 लिखा.
लिखा, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज 150% ऑफ 130. नाउ दिस इज 150% ऑफ 130. जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट. 15 मल्टीप्लाइड बाय 13. सो 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो. 5 3 15, 3 1 3 4, 5 5 1 1. आंसर आ गया 195. नाउ यू नो अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर हमें चाहे तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते. दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल. तुम्हारा मन है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ. मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं. हमें क्या करना है, 15 × 13 करना है. तो 13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 + 3 लिख सकते हैं 13 को. अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसको ब्रैकेट के बाहर जो है उसे ब्रैकेट के अंदर हर उससे मल्टीप्लाई करना है हर वैल्यू से. सो दिस इज 15 × 10 + 15 × 3. 15 × 10 इज 150 प्लस 15 × 3 इज 45. ऐड करोगे आंसर आ गया 195. इससे क्या हुआ, आपको जो ये कैलकुलेशन करनी पड़ी ये करने की जरूरत नहीं पड़ी. फाइन. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 15.75% ऑफ 1200. लिखिए 15.75% ऑफ 1200. जीरो से जीरो कैंसिल आउट. 1575 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 × 10, 7 × 14 एंड 115, 5 × 10 एंड 111, 2 × 2 1 3. और देखिए 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे 1575. ऐड कीजिए 0, 5 × 5 = 10, 7 × 8 = 9, 5 × 3 = 8 एंड 1. सो आंसर आ गया 189000. डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो यहाँ डेसिमल लगाया तो आंसर कितना आ गया 189. मूविंग फॉरवर्ड विद नेक्स्ट पार्ट. 40% ऑफ 2400. सो हाउ विल यू राइट इट डाउन, 40 / 100 मल्टीप्लाइड बाय 2400. जीरो से जीरो कैंसिल आउट. 40 × 24 आंसर आएगा 960. मल्टीप्लाई करके देखो 24 × 4, 4 × 16, 4 × 8 = 9, 96 एंड 0. तो आंसर कितना आ गया 960. नेक्स्ट वन इज 6.4% ऑफ 0.2. मतलब इतना छोटा परसेंट और इतने छोटे नंबर का निकालो. 6.4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2. 64 × 2 कितना आता है 128. डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 and 2, तो डेसिमल के बाद 1 2, तो 2 डिजिट बाद क्या लगा देंगे डेसिमल, डिवाइडेड बाय 100. नीचे कितने 0 है 2 0, तो डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेसेस. तो आंसर आ गया 0.0128. आई होप आपको ये क्लियर हो कि हम ये परसेंट निकाल रहे हैं इसका. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच सेज व्हाट परसेंट ऑफ. तो आप हर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन लिखो ताकि आपको इजी हो जाए समझना. मैं परसेंट की जगह उसका साइन लिख रही हूँ. व्हाट परसेंट ऑफ ₹10 इज 40 पैसे. ठीक. सो व्हाट परसेंट, सो हम लिख लेते हैं लेट अस टेक द परसेंट टू बी एक्स. अब
आपको इसे समझाने के लिए, व्हाट परसेंट एक्स परसेंट ऑफ रुपीज 10 इज 40 पैसा, ठीक है। नाउ दिस इज रुपीज 10, दिस इज 40 पैसा, देयर आर टू यूनिट्स एंड यू नीड टू हैव वन यूनिट टू सॉल्व द क्वेश्चन, व्हिच मींस यू विल यू बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट्स टू सिमिलर यूनिट। अगर ये रुपीज है तो इसे भी रुपीज में कन्वर्ट कर दो, या फिर ये पैसा है तो इसे भी पैसे में कन्वर्ट कर दो। क्या आसान है? रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना आसान है। सो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, सो 10 रुपीज विल बी इक्वल टू 10 × 100, दैट इज 1000 पैसा, ठीक है। सो क्वेश्चन बिकम्स एक्स परसेंट ऑफ 1000 पैसा is 40 paisa. X upon 100 into 1000 is equals to 40. 0 से 0 cancel out, 0 से 0 cancel out. So X multiplied by 10 is equals to 40. ये multiply में तो divide में चला जाएगा, 40 divided by 10. 0 से 0 cancel out, answer आ गया 4%. Now I hope you remember that when we take multiply to right hand side, it converts into division. Division converts into multiplication. Addition converts into subtraction, and subtraction converts into addition as we move from left hand side to right hand side. Moving forward with next part of it. Next part says what percent of 5 kg is 200 grams. Now you can figure out, here it's written kilogram and here it's written gram. So kilogram ko hum kya karenge, gram mein convert. 1 kg is equals to 1000 grams, so 5 kg is equals to 5 × 1000, which is 5000 grams, theek. So x percent of 5000 gram is 200. So x upon 100 into 5000 is equals to 200. ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, x equals to 200 divided by 15. 5 × 4 = 20. So 4% of 5 kg is 400 grams. यहाँ पे आप लिखोगे 4% of 5 kg is 200 grams. Next question says, what percent of 80 kilometer is 8 kilometer? What percent of 80 kilometer is 8 kilometer? Now here you may go through some confusion. Why? हर क्वेश्चन में हम कंफ्यूजन कर रहे थे, यहाँ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये यूनिट भी किलोमीटर में है और ये यूनिट भी किलोमीटर में है. This means a work becomes easier. So this is x percent of 80 kilometers is 8 kilometer, which means x upon 100 multiplied by 80 is equals to 8. 0 से 0 cancel out, which means x into 8 divided by 10 is equals to 8. X equals to 8 into 10 divided by 8. 8 से 8 cancel out, answer आ गया x equals to 10%. So 10% of 80 kilometer is 8 kilometer. Next part D. What percentage of 6 kg is 300 grams? What percent of 6 kg is 300 gram? ठीक. So x percent of 6 kg is 300 gram. Now you know 1 kg is equals to 1000 grams,
So 6 kg is equal to 6000 grams. So the question becomes, x percent of 6000 gram is 300 gram. So this is x upon 100 into 6000 is equals to 300. 0 to 0 cancel out, to ye bana x equals to, sorry, ये वाला जीरो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये वाला जीरो कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा x equals to 300 divided by 60. जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 6 5 30. तो आंसर आ गया 5% फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. What percent of 2 hours is 24 minutes? Now you know 1 hour is equals to 60 minutes, which means 2 hours will be equal to 2 into 60, that is 120 minutes. आसान है, यहां तक हमने क्या किया, दोनों की यूनिट्स सेम थी. सो x परसेंट, व्हाट परसेंट की जगह x परसेंट ऑफ 120 मिनट्स इज इक्वल्स टू 24 मिनट्स. करो सॉल्व क्वेश्चन. x अपॉन 100 इनटू 120 इज इक्वल्स टू 24. जीरो से जीरो कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू 24 into 10 divided by 12. 12 is a 12, 12 is a 24. Answer आ गया 20%. 20% of 2 hours is 24 minutes. Now this is the F part है, that you have to do in your homework. Find this the last part, तुम खुद से homework में करोगे. And you have to revise क्लास वर्क, डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 फॉर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करने के लिए बिना देखे आप ये क्वेश्चंस करेंगे. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. नाउ मेनी ऑफ यू आस्क देख मैम, हम इसके नोट्स कैसे बनाए. तो बेटा मैंने पहले भी बताया था, नोट्स का मतलब है आपको जो क्वेश्चन में लिखवा रही हूँ आपको वो अच्छे से कॉपी में लिखने हैं विद प्रॉपर लैंग्वेज. दैट इज द नोट्स यू आर सपोज टू मेक. अब ये साइंस या इंग्लिश नहीं है कि आप पूरी लैंग्वेज मतलब पूरा इंग्लिश का पैराग्राफ लिख देंगे. दिस इज मैथ्स. सो इन मैथ्स हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. और जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, नोट्स. आई होप आई एम क्लियर फ्रॉम माय साइड. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.